मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं हमारी आज की कुछ खास खबरें। देश में बढ़े कोरोना के मरीज। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 979 हो गए हैं, जबकि इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड की घोषणा कर आर्थिक योगदान करने की अपील की है। वहीं देश में लॉकडाउन की स्थिति के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र की गतिविधियों को लॉकडाउन के नियमों से छूट दी गई है, ताकि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद लोगों को पर्याप्त खाद्य आपूर्ति हो सके और साथ ही किसानों को भी कोई परेशानी ना हो। इसके तहत फूड एग्रीगेटर्स, थोक खरीदार, उर्वरक, कीटनाशक और साथ ही बीज की दुकानें भी खुली रहेगी। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे आज भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और बेवजह ही घर से बाहर निकलकर पुलिस की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। ऐसे में चेन्नई के पुलिस कर्मियों ने लोगों में जागरूकता फैलाने का एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। दरअसल चेन्नई की पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को कोरोना हेलमेट पहनकर जागरूक कर रही है। पुलिस के अनुसार इस आइडिया का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। कोरोना हेलमेट को देखकर लोगों के मन में कोरोना वायरस का ख्याल आता है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।